नमो बुद्धाय। आज हम लोगों का ज्ञान चर्चा का दिन है। हम आपको भगवान बुद्ध की एक सुंदर थोड़ा सा ज्ञान की बात बता देंगे। एक बात है, आप लोगों को ये ज्ञान क्यों सुनाई देता है? आपके पास भाग्य है। ज्ञान सुनने के लिए भाग्य चाहिए। जिनके पास भाग्य लिखा है उनको ज्ञान सुनाई देता है। जिनके पास भाग्य नहीं है वो ज्ञान नहीं सुन सकता है। आना चाहेंगे तब भी कोई ना कोई काम पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है, ज्ञान नहीं सुन सकता है। जिसके पास भाग्य है, पुण्य है, वो कहीं ना कहीं से दौड़ के ज्ञान सुनने के लिए आ जाता है। एक दिन भगवान कालाम नाम का गांव से जा रहे थे। जाते समय भगवान बुद्ध चुपचाप जा रहे थे तो उस गांव के लोग उनके पास आकर के बताया, मुनिवर कमाल है, बाकी सारे गुरु लोग मेरे गांव के बीच में से जाते समय बोलते जा रहा है, दूसरा धर्म को छोड़ दो, मेरा धर्म को अपनाओ, दुनिया का सारे धर्म गलत है, मेरा धर्म सही है, लेकिन आप कुछ बोलता नहीं, क्यों? फिर बताया कालाम, मेरा धर्म दूसरों को जा जा के हूर हूर के जबरदस्ती देने वाली चीज नहीं है, ये मेरा धर्म सिर्फ बुद्धिमान लोग समझ जाता है। जो पुण्यवान है, बुद्धिमानी है, भाग्यशाली है, वो खोज खोज के मेरे पास आ जाता है, हम उनको खोज के जाना जरूरत नहीं है। इसके बाद बताया, पूछा भगवान हम लोग कौन सा धर्म अपनाना चाहिए? बहुत सुंदर जवाब दिया, कौन सी धर्म अपनाना चाहिए? भगवान बुद्ध ने बताया, कालाम मानव का मन में उत्पन्न होता है लोभ। ये लोभ मानव का कल्याण के लिए होता है या घटा के लिए होता है? पतन के लिए होता है। लोभ के चलते सबको परेशान। क्रोध, मन में उत्पन्न होने वाले क्रोध गुस्सा सबको परेशान करता है। नफरत जलन सबको परेशान करता है, सबके साथ है। और मोह माया बंधन ये भी सबको परेशान करता है। अहंकार घमंड सबको परेशान करता है। और इज्जत पाने का लालच, इच्छा लालची, हमको सब इज्जत करें, हमको लाभ मिले, मेरा नाम रोशन हो, ऐसा नीच इच्छा भी सबको परेशान करता है। बताया भगवान कालाम, जिस धर्म से ये गंदगी बढ़ेगा तो वो धर्म सबका पतन के लिए होता है। अगर जिस धर्म से ये गंदगी हट जाएगा तो कालाम वो है रास्ता। इसलिए कालाम पूरे भारत में खोजिए, कौन सा ज्ञान से मन की लोभ खत्म होता है, कौन सी ज्ञान से मन का क्रोध नफरत मिट जाता है, कौन सी ज्ञान से बंधन माया खत्म होता है, कौन सी ज्ञान से मन का घमंड अहंकार मिट जाता है, वही ज्ञान अपनाइए। सारे कालाम गांव के लोग भगवान बुद्ध जी को बताया, भगवान मुझे लगता है आप है मेरा गुरु, आज से हम आपका धर्म में आ जाएंगे। भगवान बुद्ध बताया, नहीं, द्वारा सोचना चाहिए, द्वारा मनन करो, तुरंत मन में आने पर निर्णय मत लो, मेरा रास्ता प्रयास करके देख लो। अभी तक
प्रयास किया ही नहीं। मेरा रास्ता पे जो ज्ञान है उसको अपना के देख लो, तब निर्णय लेना चाहिए रास्ता क्या है। तो ऐसा है तो हम आपको एक सुंदर बात बता देंगे धर्म के बारे में। ये धर्म क्या है? धर्म का मतलब है मन को शांति दिलाने वाली चीज, उसको धर्म कहता है। आप सभी लोगों का जीवन में कोई ना कोई परेशान है, बच्चों को परेशान, कोई बीमारियों के चलते परेशान, और कभी आपका पति पत्नी का परेशान, जमीन का प्रॉब्लम, या तो फिर बीमार के चलते दिक्कत, कोई ना कोई परेशान आपके साथ है। याद रखिए जन्म लिया तो ये चार परेशान सबके साथ है, चाहेंगे तभी मिटा नहीं सकता है। पहला, जन्म लेने वाले सभी लोग बीमार पड़ता है। कौन बीमार से बच सकता है? कौन सी भगवान बीमार को रोक सकता है? आज तक कोई रोका नहीं, कल भी नहीं रोक पाएगा। बीमार, एक बीमार खत्म होने से दूसरा बीमार धर जाता है, पहला। दूसरा कारण, जन्म लिया तो सारे लोग बूढ़ा हो जाता है। आप लोग को याद होगा कुछ समय पहले आप लोग बच्चे थे, खेल रहे थे, दौड़ रहे थे, थोड़ा बड़ा हो गया, शादी किया, उम्र बीत गया, अभी जीवन का अंतिम समय तक आ गया, सभी लोग बूढ़ा होते हैं। तीसरा, संसार के जो कोई जन्म लेता है सभी लोग मर जाता है, मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता है, सनातन नियम है वो संसार का। चौथा, हम लोग का मन पसंद चीजों से विदा होना अनिवार्य है। मन पसंद चीज क्या है? बाल बच्चे, पति पत्नी, घर द्वार, जमीन, अपना संपत्ति, अपना इज्जत, हर एक चीज से कभी ना कभी आप हम सभी लोग अलग होना पड़ता है। कभी कभी आप लोग अपना परिवार के सबसे ज्यादा प्यार किए हुए लोगों का मृत्यु हो गया होगा, और कभी आपका सबसे मनपसंद चीज और कोई लूट लिया होगा। होता है, जब तक जन्म लेते रहेगा तब तक ये संकट होता रहेगा। अंतिम कारण, जो कोई हम लोग करता है वो हमारे पीछे पीछे आ जाता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ खुशी रहेगा, सुख रहेगा, अगर हम बुराई करेंगे तो हमारे साथ दुख रहेगा, तकलीफ रहेगा। इसलिए कभी भी आप लोग कोई धर्म खोजने मत जाइए, उस मंदिर में जाने के कारण मेरा बीमार ठीक होता है, उस मंदिर में जाने के कारण मेरा परेश मेरा बेटी का शादी हो गया, मेरा बेटा का जॉब लग गया, ये सब के चलते धर्म खोजेगा तो नीच का बात है। ज्ञान की रास्ता खोजना सिर्फ एक चीज से है, मन की शांति। आपको जिस रास्ते से मन की शांति मिलेगा तो वो रास्ता सही है, जिस रास्ते से आपको मन का परेशान होगा तो वो रास्ता गलत है। जिस रास्ते से आपको सुकून मिलेगा तो वो रास्ता कभी मत छोड़िए, वो आपका है। लेकिन वर्तमान में दुखी का एक कहानी है। वर्तमान में अभी हम लोग कुछ वीडियो दिखाएंगे, तो कोई फिल्म दिखाएंगे, तो सबसे ज्यादा किसको लोग प्यार करता है? मारने काटने लड़ाई करने वाले झगड़ा करने वाली चीज को देखने में बहुत लोग पसंद करता है। ध्यान करने वाले, ज्ञान की चर्चा कौन पसंद करता है? आस्था चैनल कौन देखेगा? श्रद्धा चैनल कौन देखेगा? कालस, जी टीवी, ये सब ना, सब स्टार प्लस, यही सब देखते रहता है ना।
धोनी क्रिकेट खेलता है, सचिन कोहली क्रिकेट खेलता है, शाहरुख खान नाचता है, दीपिका पादुकोण नया नया हीरो हीरोइन नाचता है, कोई बाबा जी ज्ञान बता रहा है, कोई सुनेगा बैठ के? अभी ज्ञान का युग खत्म हो गया, शांति का युग खत्म हो गया। ये मम्मी जी लोग जानते होंगे, आप लोग बचपन में गुरु लोगों को इज्जत किया, कोई बाबा जी गांव में आ गया तो ज्ञान बताने के लिए इज्जत से जाके ज्ञान सुना, भगवान को अच्छा से पूजा पाठ किया। अब भगवान को कैसे पूजा पाठ करते हैं? गंदा गंदा गाना बजा बजा के, दारू पी के पागल हो गया जैसा देवताओं के सामने नाचता है लोग। देवताओं के प्रति इज्जत है ये? इसका मतलब क्या है? धर्म दिन प्रतिदिन पतन हो जा रहा है, ज्ञान दिन प्रतिदिन लुप्त हो जा रहा है, बल्कि आगे बढ़ रहा है क्या? अज्ञान, दानवता, पशुता, क्रोध, लोभ, अहंकार, घमंड, लालची, नीच इच्छा, ये सब समाज में हर जगह, हर देश में, सिर्फ भारत में नहीं, हर देश में ये गंदगी बढ़ रहा है। आने वाले युग बहुत दुखी का युग होगा। आप लोग मामी लोग तो बच जाएंगे, आप लोग तो कुछ समय में चल जाएंगे, आप लोग का पोते लोगों का हालत क्या होगा? उन लोग बड़ा होते होते देवता मंदिर को उड़ा देगा बम से, देवताओं को गाली देगा, संत लोग आएगा तो ज्ञान बताने के लिए संत लोग को बेइज्जत कर देगा, अभी रहने वाले बच्चा बड़ा होते होते। लेकिन कहीं आमिर खान आ जाएगा तो, शाहरुख खान आएगा तो, या तो फिर उस समय नया नया हीरो हीरोइन आएगा, उन लोग आते ही सभी लोग रास्ता पे फूल बिछाएगा, सभी लोग न्यूज़पेपर में अखबार में बड़ा बड़ा फोटो डाल के छपाएगा, भगवान पधारा। कहाँ पे? गया में। कौन सा भगवान? एक सुंदर हीरोनी भगवान पधारा है। सुंदर सुंदर भजन आप लोग बचपन में सुना है ना, सुंदर सुंदर भजन भगवान के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, विष्णु जी के बारे में, सुंदर सुंदर लीला सुना है। अभी अभी गंदा गंदा गाना हर जगह पे है, हर घर पे, बहुत सारे घरों में। जवान लड़का लोगों का हाथ में मोबाइल है तो पक्का उसमें बदमाशी गाना है, मन गंदा करने वाली। कौन सा बच्चा सुन रहा है भजन? युग खत्म हो गया, ज्ञान का युग खत्म हो गया, शांति का युग खत्म हो गया, चल गया। आप देवताओं इस धरती पे नहीं हैं, संत लोग भी इस धरती से धीरे धीरे धरती को छोड़ रहा है। पहले भारत में हम बचपन में पढ़ाई किया, भारत में हिमालय से ऋषि लोग आता है, आकर के गांव गांव जाके थोड़ा सा भिक्षाटन करके गांव के लोगों को ज्ञान बताता है, तो गांव वाले लोग उन ऋषि लोगों को कुछ भोजन दे करके पुण्य करके ज्ञान सुन के उस ज्ञान के अनुसार जीवन बिताते हैं। आज क्या हाल है? आज ऋषि लोग भी नहीं हैं, कोई आकर के ज्ञान बताएगा तो ज्ञान सुनेगा लेकिन कोई करेगा नहीं। हम लोग भी गांव गांव जाते हैं, ज्ञान बताते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सुधर जाते हैं। आजकल ज्ञान की रास्ता पे जाना मुश्किल है, क्यों? मानव का मन पतन हो गया, अभी जानवर जैसा मानव हो गया। देखिए कहीं जानवर को गुस्सा आ गया तो, कोई कुत्ता को गुस्सा आ गया तो तुरंत भूकेगा कि नहीं, काटने जाएगा कि नहीं? मानो भी ऐसा है, अभी गुस्सा आ गया तुरंत मारो मारो पीटो काटो। कहीं मिस्टेक से कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, कोई आदमी का धक्का लग गया, देखने वाले ये नहीं देखता है कि इसका गलती है, तुरंत गाड़ी को डाल देगा तेल, उड़ा देगा गाड़ी, फिर आदमी रहेगा तो उसको मार देगा। मानवता खत्म हो गया,
हमें दुख आपके बारे में नहीं, आपका बच्चों के बारे में। आप लोग तो अपने आंखों से कुछ अच्छा देख के चल जाएंगे, आप लोगों का भविष्य परंपरा जलन क्रोध नफरत अहंकार घमंड लोभ लालची में डूबकर दुखी मन से दुख से जीवन बिताकर दुख से मर जाएगा। युग आ गया, गंदगी युग आ गया। इस गंदगी युग में कोई ज्ञान की चर्चा करना चाहता नहीं है। कुछ दिन पहले एक हीरो था आमिर खान, पटना में आ गया। अखबार में मैंने पढ़ा आमिर खान मतलब इंडिया में बहुत बड़ा एक हीरो है, फिल्म करता है। तो पूरे पटना के आसपास के सारे लोग पटना में आ गया और सभी पूरा पटना जाम लग गया आमिर खान को देखने के लिए। कोई पटना गांधी मैदान में एक बाबा आएगा ज्ञान बताने के लिए, या तो फिर हम लोग जाएंगे ज्ञान बताने, कौन आएगा ज्ञान सुनने के लिए? हट पागल, कौन जाएगा ज्ञान सुनने के लिए? लोग कहेगा बूढ़े लोग जाते हैं ज्ञान सुनने के लिए, थोड़ी ना हम लोग हीरो हीरोइन के पीछे रहना चाहिए। इसीलिए क्रिकेट खेलने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम से मंदिर बन गया, अमिताभ बच्चन के नाम से, अमिताभ बच्चन का एक मंदिर है बॉम्बे, जानते हैं ना? अभी अमिताभ बच्चन भगवान जैसा मानता है। भविष्य में अभी ओम साई राम जी साई बाबा को अभी इज्जत करता है, वैसे अमिताभ बच्चन को भी इज्जत करना शुरू, घर घर पे फोटो रखेगा, मंदिर में फोटो अमिताभ बच्चन भगवान का, फिर सचिन तेंदुलकर भगवान का, भविष्य में कोहली भगवान, धोनी भगवान, शाहरुख खान भगवान। क्या हो रहा है संसार को, क्या हो रहा है देश को? दिन प्रतिदिन देश पतन हो रहा है, अभी कोई करने वाला भी नहीं। पहले शहर में ये सब कुछ हुआ किया था, अभी गांव गांव में भी सारे गंदगी आ चुका है। तो मैंने सोचा आज आपको ये कारण के चलते हमको बहुत दर्द है, बहुत दुख है, क्यों ये मानव अपना सच्चाई रास्ता को छोड़, अपना भारतीय ज्ञान की रास्ता छोड़ करके ये विदेश से आया हुआ नीच ज्ञान की रास्ता क्यों जाता है? नीच ज्ञान मतलब हीरो हीरोइन का गाना, फिल्मी गाना, ये सब के पीछे पीछे क्यों जाता है? ये भारत पूरे संसार को ज्ञान सिखाया है, भारत ने पूरे संसार को शांति दिलाया, भारत में ही जन्म लेता है दुनिया में सबसे तेज लोग, सबसे बुद्धिमान लोग, इस धरती पे जन्म लेता है शास्त्राओं, भगवान सबसे ज्यादा पसंद करने वाली धरती भारत है, अमेरिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, चाइना नहीं, सबसे ज्यादा भगवान भी चाहते हैं भारत को। तो भारत के लोग क्या करते हैं, दूसरे विदेश लोगों को देख करके उन लोग का रास्ता पे जाता है। कोई विदेश कोई लड़का लोग अलग स्टाइल का कुछ कपड़ा पहनना शुरू किया तो भारत के लोग उसके पीछे जाता है। विदेशी लोग बोल दिया तो टीवी देखना अच्छा है, तुरंत अच्छा, बहुत अच्छा, कौन बताया? साइंस टिक लोग ने बताया। इधर कोई बताएगा तो टीवी देखने से ज्यादा अच्छा है अपने से मेहनत करना चाहिए, बकवास से, कौन कौन बताया? क्यों? अभी तक हमारा ये भारत गुलाम है, अभी भी विदेश लोग जैसा बोलता है वैसा नाचते हैं। इसीलिए हम एक सुंदर बात आपको बता देंगे, भगवान बुद्ध की जन्म भारत में हुआ, भारत में भगवान बुद्ध जन्म लेकर के भारत के लोगों को ज्ञान बताए, विदेशियों को नहीं, श्रीलंका को ज्ञान नहीं बताया, चाइना को नहीं ज्ञान बताया, पाकिस्तान को ज्ञान नहीं बताया, ना उस समय तो पाकिस्तान इंडिया में ही था, और अमेरिका को, थाईलैंड को,
रसिया को ज्ञान नहीं बताया, भगवान बुद्ध ज्ञान बताया है भारत के लोगों को। क्यों? भगवान बुद्ध जानते हैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग भारत में हैं, विदेश में नहीं। एक दिन भगवान बुद्ध बताया, ये मानव का उम्र पहले बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 40,000 साल, 20,000 साल, वैसा बहुत लंबा उम्र था पहले मानव का, क्योंकि उस समय लोगों का मन बहुत पवित्र था, पाप नहीं किया, बुरा आचरण नहीं किया, इसलिए मन पवित्र था, इसलिए उम्र लंबा है। हमारे गौतम भगवान बुद्ध जी जन्म लेते समय आम आदमी का, नॉर्मल साधारण आदमी का उम्र है 120, यानी कि अनिवार्य रूप से सभी लोग 120 साल तक जिएंगे। मुश्किल से लोग 80-90-100 साल में मर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग 120 साल में मर जाते हैं। अभी अभी क्या हो गया, अभी उम्र 60 साल, अभी हमारे ये मम्मी पापा लोग जिएंगे 80 साल 90 साल, 100-200 साल तक रह सकता है, लेकिन आपका पोता पोती लोगों का उम्र 40-50, ज्यादा नहीं जी नहीं सकते। क्यों? भगवान बुद्ध ने बताया, मन पतन होते होते, पाप बढ़ते बढ़ते मानव का उम्र कम हो जाता है। लोग कहता है वर्तमान भारत में जनसंख्या ज्यादा है, कहता है ना, सरकार भी कहता है बच्चा कम पैदा करो, संख्या ज्यादा है, झूठ है। अतीत में इतिहास, हम लोग इतिहास किए हैं, अतीत में भगवान बुद्ध के उपदेश में भी है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक मुर्गा को बिना उतर के छत छत पे खुद खुद के जा सकता है, इतना घर था, इतना सारा जनसंख्या था, उम्र ज्यादा है, जल्द लोग पाप नहीं करने के कारण बीमार नहीं पड़ता है, शांति है, लड़ाई झगड़ा नहीं, आपस में कोई झगड़ा भी नहीं, और हर जगह ज्ञान की चर्चा, छोटे बच्चे से लेकर सभी लोग ध्यान करता है, घर घर में मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, इसीलिए जनसंख्या ज्यादा है। एक घर में कम से कम 15-20 बच्चा, एक माँ को 15-20-24-25-30, वैसा एक माँ को बच्चा, अभी एक या दो या तीन, तीन से ज्यादा हो गया तो बहुत तकलीफ होता है। कारण क्या है? वर्तमान उस समय सभी लोग मिलजुल के रहा, हर जगह ज्ञान की चर्चा, हर गांव गांव में ज्ञान की चर्चा, पूजा पाठ नहीं, ज्ञान की चर्चा। लेकिन वर्तमान में एक आदमी हजार आदमी के बराबर देश को बर्बाद करता है, हर जगह गंदा करता है, दूसरों को परेशान करता है। आज कौन सी बच्चा ज्ञान की बात करता है घर पे आके? आप लोग मम्मी लोग बोले, आप लोग का घर में पोता पोती लोग स्कूल जाके घर आता है, कोई ज्ञान की चर्चा करता है? दादी गुस्सा को शांत करना चाहिए, मन शांत करना चाहिए, ये सारी चीज बदल जाता है, खत्म होता है, इसलिए हम लोग मिलजुल के रहना चाहिए, ऐसा करता है कोई? कोई बच्चा ऐसा नहीं करता, स्कूल में सिखाता भी नहीं। स्कूल का काम क्या है? बच्चा को कोई सब्जेक्ट सिखाना, इंग्लिश मैथ साइंस ये सब सिखाना, थोड़ी ना ये सब चीज से ज्ञान मिलता है, लेकिन ये भी जरूरत है, ये पढ़ाई अभी भी चाहिए, लेकिन अभी से ज्यादा ये मैथ साइंस और ये सारी चीज का पढ़ाई आज से ज्यादा 1000 साल पहले अच्छा से हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा साइंटिस्ट लोग भारत में जन्म हुआ, सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई लोग भारत में जन्म हुआ, विदेश में नहीं। अभी कहाँ, अभी अमेरिका में इधर उधर, क्यों? भारत के लोग उनके पीछे पीछे जा रहा है, पढ़ाई करते करते अपने से मेहनत नहीं करता है। इसीलिए दिन प्रतिदिन ये हरेक लोगों का मन पतन होने के कारण उम्र कम जाता है। उम्र कम होते होते भगवान बुद्ध ने बताया, तीन चीज बढ़ता है, उम्र कम होते होते तीन चीज बढ़ता है, अधर्म राग
विषम लोभ मिथ्या धर्म, ये तीन चीज समाज में बढ़ेगा। अधर्म राग, मतलब लोगों का दिल में राग उत्पन्न होता है। राग उत्पन्न, राग काम वासनाओं की इच्छा नॉर्मली चीज सबके मन में है, लेकिन अधर्म राग मतलब अपना मन की प्यास को बुझाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, हत्या करने के लिए तैयार, किसी को भी कुछ भी करने के लिए तैयार, उसको कहते हैं अधर्म राग। अभी है ना अखबार पढ़ी, रोज कोई ना कोई अपराध, अधर्म राग समाज में फैल गया। ये संपूर्ण रूप से ज्ञान खत्म हुआ समाज का कारण है। दूसरा विषम लोभ, लोभ सबके मन में है, लोभ तो है ही है सबके मन में, लेकिन विषम लोभ मतलब अपना फायदा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, दूसरों को जान लेगा, ये नहीं देखते ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा बेटा, ये मेरा मामी पापा। लोभ आते ही सबको काट देगा, मार देगा, अपना जमीन का फायदा के लिए, एक फीट का जमीन का जमीन के लड़ता है, गया कोर्ट में जाके देखिए लाखों लाख केस, जमीन का केस, घर द्वार का केस, अपना परिवार का केस, क्यों? विषम लोभ समाज में फैल गया, बढ़ गया। तीसरा मिथ्या धर्म, मिथ्या धर्म मतलब अभी हर जगह पाप फैल गया, सब डरता है, हम लोग को क्या होगा, क्यों डरता है, पाप फैल गया हर जगह, इसीलिए सभी लोग मंदिर मंदिर में दौड़ता है, भगवान हमको बचा लो, हमारा परिवार सुरक्षा करो, हम मानत रखते हैं, हम ये पूजा करते हैं, वो पूजा करते हैं, मैं बेटा के नाम से करते, बेटी का नाम से करते हैं, भाई बहन का नाम से हम मानत रखते हैं, क्यों? डर गया सब, क्यों डर गया, पाप फैल गया। पहले इसे मानत वगैरह का काम नहीं था भारत में, बिना डर के सभी लोग मिलजुल के रहने लगा, इसीलिए मिथ्या धर्म बढ़ रहा है, अंधविश्वास, ये तीन चीज अभी भारत में फैल गया, दुनिया में फैल गया, सिर्फ भारत में नहीं। इसका मतलब याद रखिए, दिन प्रतिदिन ज्ञान पतन होगा, हम कितना भी इधर आके ज्ञान बताए, आप लोग थोड़ा ज्ञान ले लेगा लेकिन ज्ञान फैलेगा नहीं। पहले ऐसा नहीं, किसी को सुनाई दिया तो वह ज्ञान की चर्चा होता है, पूरे गांव के लोग, शहर के लोग एक जुट जाता है, चलो हम लोग ज्ञान सुनेंगे, जीवन धन्य होगा, कल्याण होगा। अब ज्ञान फैलेगा नहीं, भगवान बुद्धि की ज्ञान तो और फैलेगा नहीं, क्यों? भगवान बुद्धि ज्ञान अपना मन को सुधारने का चीज है, कौन तैयार मन को सुधारने के लिए, मुश्किल है। इसलिए हम आपको एक सुंदर कारण बता देंगे, ये करने के लिए थोड़ा कोशिश करिए, हम आप सबको ज्ञान नहीं बता रहे हैं, जिसको जिनको ये ज्ञान समझ में आता है उनके लिए, आप समझ लीजिए ये गुरु मेरे लिए आया है। आप लोगों का हम सबका उम्र ज्यादा नहीं, थोड़ा समय है, ये थोड़ा सा जीने का समय में आप लोग कोशिश करिए मैत्री करने के लिए, सबको मैत्री करिए, सारे लोगों को मैत्री करिए, गुस्सा मत करिए। आप रोज अपना घर पे बैठ के काम करते करते सबको मैत्री करिए, हमेशा मैत्री करने के लिए उपकारी होगा। आप मन से त्यागना चाहिए, मन से क्या त्यागना चाहिए, हर एक गंदगी कैसे त्याग सकता है, आपको कोई डांट दिया तो आप उनको मैत्री करके उसी डांट मन से हटा दीजिए, आपको कोई दुख दिया तो उसी दुख को मनन मत करिए, क्यों? ये समाज नीच है, ये नीच समाज में हम लोगों को सेवा सत्कार नहीं मिलेगा, पाना मुश्किल। बहुत सारे घर पे हम लोग को सुनाई देता है, दादी दादा लोगों को, बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोगों को कोई इज्जत नहीं करता है, हर एक आप लोग का घर में पता नहीं, बहुत सारे घरों में नमन नहीं करता है,
निमांत ये बुढ़ी आओ ऐसे करके सेवा नहीं करता है। पहले से नहीं था, घर का भगवान समझ गया था, दादी को, दादा को, नाना को, नानी को। वो जो नानी नाना दादी दादा जो कहता वही करेगा घर के लोग। बीमार पड़ते हैं उनका हमेशा ख्याल रखता था, अब वो समाज खत्म हो गया। इसीलिए आपके पास एक गुण होना चाहिए, सहनशीलता। हम खुद को सुरक्षा करना चाहिए, दूसरा लोग हमें सुरक्षा नहीं करेगा। कभी भी आप आशा करेगा तो मेरा बच्चा मुझे सुरक्षा करेगा, मुझे सेवा करेगा, अगर नहीं किया तो दुख आता है। इसलिए कोई भी चीज़ का आशा मत रखिए। आप कोई भी चीज़ का आशा रखेंगे तो दुख मिलेगा। इसलिए सभी लोग आपको कितना भी दुख दें, कितना भी परेशान करें, डांटे, कुछ भी करें, आप सहन करिए। उल्टा आप मैत्री करिए। जो मुझे दुख देता है वो सुखी हो, जो मुझे परेशान करते हैं उनका कल्याण हो। ऐसे आप मनन करेंगे तो सचमुच में आप तो इस युग का नहीं है, आप पुराना युग का है। पुराने युग के लोग कैसे किया है, पुराने युग के लोग डांटते समय अपने डांटने वाले लोगों को मैत्री किया। कोई आके लूटेगा तो लूटने वाले चीज ठीक है, लूटने की जरूरत क्या, ले लो, थोड़ी ना हम ये ले जा रहे हैं, ऐसा त्यागी थे। इसीलिए सहनशीलता बहुत जरूरी है। दूसरा, आप सारे लोगों को मैत्री करिए। कैसे मैत्री करना है, पहले आप अपने को मैत्री करिए। मेरा क्रोध गुस्सा खत्म हो, मेरा कल्याण हो, मेरा दुख पीड़ा दूर हो, मेरा जीवन कल्याण हो। आप पहले खुद को मैत्री करेंगे, खुद का भलाई करेंगे, इसके बाद आप आसपास के लोगों को। खुद को बिना प्यार करके दूसरों को प्यार नहीं दिला सकता है, पहले खुद को प्यार करना चाहिए। खुद को प्यार कर इसके बाद आसपास के लोगों को मैत्री करिए। मेरे आसपास में, चाहे घर में हो, इस आसपास के रहने वाले सभी लोग बिना दुख के हों, बिना पीड़ा के हों, सदा सुखी हो। फिर अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचा, अभी और फैलाइए आपका प्रेम भाव, मैत्री पूरे गांव को, पूरे कंजहापुर को। कंजहापुर गांव के कौन कौन हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी, प्रेत, आसुर, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग तरह हिंदू लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, सबको बराबर मैत्री करें। इस गांव के सारे लोगों का क्रोध गुस्सा खत्म हो, यहाँ के सारे लोग सदा सुखी हो, बिना पीड़ा के हो, बिना तकलीफ के हो। इसके बाद आप खंजापुर तक मैत्री फैला दिया। अभी खंजापुर के अंदर में आपका मन में कोई दुश्मन, कोई नाराजी नहीं है, सबको आप प्रेम भाव फैलाया। फिर आप खंजापुर से और आगे पूरे बिहार को, पूरे गया जिला को, इसके बाद पूरे बिहार को मैत्री करेंगे। फिर आप बिहार में सारे लोगों को बराबर आप मैत्री करते, बिहार के सभी लोग सदा सुखी हो, बिहार के सबका कष्ट दूर हो। इसके बाद आप मैत्री फैलाएंगे बिहार से भी आगे भारत को, पूरे भारत के लोग सदा सुखी हो, भारत के लोगों का कल्याण हो, भारत के लोगों का दुख पीड़ा दूर हो। अभी आपका मैत्री विचार कहाँ तक है, प्रेम भाव भारत तक है। अब और फैलाना चाहिए, भारत से भी आगे पूरे विश्व में, हर एक देश में, हर जगह पे, चाहे वो पानी में हो, मछली हो, या तो फिर जमीन में हो, या कहीं जमीन के अंदर हो, कोई देवता हो, भगवान हो, या मानव हो, दानव हो, प्रेत हो, असुर हो, कीड़ा मकोड़ा हो, सबको आप मैत्री करेंगे, पूरे विश्व को। इसके बाद अनंत, आपका मैत्री अनंत है,
अंत सीमा नहीं है, हर जगह मैत्री करिए। ऐसा आप सोच सकेगा तो सचमुच में आप महान हैं। वो मन से मैत्री करना है, तीन प्रकार से प्रेम भाव रखना है, एक मन से, दूसरा मुंह से, तीसरा शरीर से। मन से हम आपको बताया, यहाँ से लेकर के पूरे विश्व में सबको मैत्री फैलाना है। फिर मुंह से कैसे मैत्री करेंगे, हमेशा आप अपना मुंह से निकलने वाले शब्द से किसी को परेशान मत करिए। आपके पास बहुत सारे शब्द हैं ना, ऐसा शब्द है बोलते दूसरों को दिल दुखता है, ऐसा शब्द भी है, वो शब्द मत निकालिए, अंदर खत्म कर दीजिए। निकालना है तो निकालिए अच्छा शब्द। कोई भी नुकसान परेशान हो, हमेशा आपके पास सहनशीलता होना चाहिए। सहनशीलता नहीं है तो तुरंत गुस्सा आता है, गुस्सा आते ही खराब शब्द निकलेगा, पूरा में टैप खोल दिया जैसा, पानी का नल खोल दिया जैसा, पानी तुरंत गिरने लगता है ना, वैसा गुस्सा आते ही मुंह से पटापट निकल जाएगा, चाऊ चू कर कुछ कुछ या जैसा, सुनने वालों को भी परेशान। आज से आप कोशिश करिए सारे लोगों के साथ प्रेम भाव से बात करने के लिए। हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, पूरे भारत के लोग के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए हम बता रहे हैं। भारत को नहीं सुधार सकता है, संसार भी नहीं सुधार सकता है, आप भी नहीं सुधार सकता है, लेकिन खुद हम अकेले खुद को सुधार सकता है, आप भी आपको सुधार सकता है। दूसरों के बारे में सोच सोच के रह जाएगा तो पता नहीं चलते बाल पक गया, बच्चों के बारे में सोच सोच के बाल पक गया, परिवार के बारे में सोच सोच के बाल पक गया, अपने के बारे में सोचने का समय भी नहीं मिला। इसीलिए आप अभी अपने के बारे में सोच के सबको मुंह से मैत्री करिए, मीठा बात करते रहिए हमेशा। तीसरा है शरीर से मैत्री करिए। कैसे, शरीर से किसी को परेशान मत करिए। एक उदाहरण, आप सोचिए एक जगह बैठते हैं, आके सोचिए इधर आप ज्ञान सुनने के लिए एक जगह बैठते हैं, इस पिलर पर, पिलर के पास ऐसे आड़ के आप बैठेंगे। दूसरे दिन आप आ गया, आपकी जगह और कोई ले लिया। अगर शरीर से मैत्री करते हैं तो आप चुपचाप, हाँ ठीक है मेरी जगह, तुम अच्छा से बैठो, दूसरा जगह हम बैठेंगे, वो शरीर का मैत्री। और आपका घर पे कोई सामान फेंका हुआ रहेगा, बर्तन इधर उधर डाल दिया, बहुत लोग क्या करते हैं, हमको क्या, इन लोग उठाएगा नहीं। शरीर से मैत्री करने वाले वो सामान ले करके किचन में रखना है तो किचन में रख देता है, अच्छा जगह रख देता है। यानी कि किसी को परेशान होने वाले कुछ देख लिया तो तुरंत उसको सुधारता है। और किसी का कपड़ा इधर उधर फेंक दिया, उठा के अच्छा जगह रख दिया। कहीं कोई चींटी लोग पानी में गिर गया, आप क्या करेंगे, एक डांटा लेकर के उन लोग को एक एक करके बचाया। कोई ऐसा, आप अपना शरीर से किसी को परेशान मत करिए, आपका दोनों हाथ दोनों पैर अपना शरीर से दूसरों का भलाई करिए। ये तीन चीज आपके पास है तो सचमुच में आप अपने लिए कुछ कर सकता है। हम सभी लोग मर जाते हैं, मरने के बाद बहुत लोग दुर्गति जन्म पाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते, मर के वापस घर आता है, प्रेत बन के घर में आके घर को परेशान करता है, घर का किसी का शरीर में घुस जाता है, पूरा हल्ला करने लगता है। क्यों, दिव्य लोग कहते हैं ऊपर गया, दादी क्या हुआ ऊपर गया, ऊपर कोई नहीं जाता है, नहीं जा सकता है। मन नीच है तो क्रोधी गुस्सा करने वाले मन है तो मैत्री भाव प्रेम भाव मन में नहीं है तो कैसे ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के लिए बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए, शांति चाहिए,
देवताओं भगवान कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। अगर देवताओं के बारे में भगवान के बारे में सच्चाई सुनेगा तो कोई नाचेगा नहीं मूर्ति के सामने, तुरंत पूजा करना शुरू कर देगा। इतना शक्तिशाली लोग हैं, दूसरों को काटने पीटने वाले नहीं हैं वो। उन लोग मनुष्य लोक में रह के शांति से रह के दिव्य जन्म पाया है। आपको भी अगर ऐसे रह जाएगा तो मरने के बाद आपका जीवन बहुत सुंदर होगा। मरने के बाद भी जीवन सुंदर है, अगर ऐसा रहेगा तो मरने से पहले जीवन भी सुंदर होगा कि नहीं? सुंदर होता है। इसीलिए कोशिश कीजिए मैत्री करने के लिए तीन प्रकार से। मन से मैत्री करिए, हमेशा मन में दूसरों का भलाई सोचिए, अपना भलाई और दूसरों का भलाई। और मन वाणी से मैत्री करिए, यानी कि मुंह से कभी किसी को परेशान मत करिए। तीसरा, शरीर से मैत्री करिए, अपना शरीर से किसी को परेशान मत करिए। आप सचमुच में देवी माँ हैं, ऐसा है तो आप सचमुच में देवता हैं। आप सुंदर रूप धारण करेंगे, आपके चलते भारत में और एक फूल खिल गया। क्यों? और एक इंसान का जन्म हुआ, और एक व्यक्ति ने मैत्री करके सहनशीलता में रह के सबको मदद कर रहा है। इसीलिए असली मदद पैसा का मदद नहीं, धन संपत्ति का मदद नहीं, असली मदद है ज्ञान का मदद। इसलिए अभी हम लोग 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 4-5 मिनट मैत्री ध्यान करेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। आप लोगों को मालूम नहीं ना है मैत्री कैसे करें, ये करके देखिए। अगले शनिवार हम आएंगे, अगले शनिवार तक एक सप्ताह मैत्री करिए, एक सप्ताह मैत्री सुबह शाम। आप सुबह उठ के भगवान को पूजा करते हैं ना, भगवान को पूजा करके आरती चढ़ा के सब पूजा करके इसके बाद आप आराम से एक साइड बैठ जाइए। मंदिर है ना आप लोग का घर पे, छोटा सा मूर्ति होगा ना, मूर्ति के पास साइड में बैठ जाइए। बैठ कैसे आप लोग बैठना, अच्छा कैसे भी आपको कैसे आसान है, पालती मोह के आसान है ना। कोई कोई लोगों को पालती मोह के नहीं बैठ सकता है, कमर दुखता है, पैर दुखता है, कुर्सी पे बैठिए। ऐसे लोग, किसी को कुर्सी भी मुश्किल है तो कोई कोई लोग हैं, दादी लोग दादा लोग कुर्सी पे भी नहीं बैठ सकता है, पलंग पे सोया हुआ रहता है वो भी चलेगा। किसी आपको जैसा आसान है ना वैसा आप बैठिए, अभी बैठ जाइए आपको जैसा आसान है। ऐसे आसान है ना, हाथ ऐसे गोद में रखिए, बाएं हाथ पर दाएं हाथ, कैसे भी तो आपको मुश्किल है तो जैसा आप रखना है तो रखिए। हाथ ऐसे एक करके सटा के रखने से ध्यान करना आसान है। अभी आंखें बंद करिए, आंख बंद करने से मन को एकाग्र करना आसान है। इसलिए आप मन को एकाग्र करने के लिए आंखें बंद करिए। धीरे धीरे अपना शरीर शांत करिए, सब कुछ मन से भूल जाइए, अतीत में जो कुछ हुआ और आगे करने वाले सब मन से हटा दीजिए, घर द्वार कुछ देर के लिए। आप अपना शरीर पर ध्यान रखिए, हाथ पैर पूरा शरीर शांत करिए और थोड़ा सा शांत करिए। अभी आप
मन की शांति के लिए मैत्री फैलाएंगे। हम बोलते हैं, आप सोच सोच के रहिए, आप मत बोलिए। पहले आप अपने के बारे में सोचिए, ऐसे मेरा मन की क्रोध गुस्सा मिट जाए, मेरा मन से जलन नफरत मिट जाए, मेरा सारे दुख पीड़ा तकलीफ दूर हो, मुझे सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। फिर से आप अपने के बारे में सोचिए, मेरा मन की क्रोध गुस्सा मिट जाए, मेरा मन से जलन नफरत मिट जाए, मेरा सारे दुख पीड़ा तकलीफ दूर हो, मुझे सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। मेरे आसपास के लोग हैं, मेरे आसपास के रहने वाले इन सारे लोगों का क्रोध गुस्सा मिट जाए, आसपास के सब का जलन नफरत मिट जाए, आसपास के सब का दुख पीड़ा तकलीफ दूर हो, आसपास के सबको सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। अब सोचिए आप खंजापुर गांव, इस खंजापुर में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। पूरे खंजापुर में रहने वाले सारे लोगों का क्रोध गुस्सा मिट जाए, इस गांव के सब का जलन नफरत मिट जाए, इस गांव के सब का दुख पीड़ा तकलीफ दूर हो, उन सब को सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। पूरे बिहार के बारे में सोचिए, इस बिहार में मानव दानव प्रेत असुर पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा अच्छे लोग बुरे लोग हैं। पूरे बिहार के सारे लोगों का क्रोध गुस्सा मिट जाए, बिहार के सब का जलन नफरत मिट जाए, बिहार के सबका दुख पीड़ा तकलीफ दूर हो, बिहार के सबको सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। पूरे देश के बारे में सोचिए, ये हमारा भारत, हमारा भारत में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अलग अलग तरह के जीव प्राणी हैं। पूरे भारत के सारे लोगों का क्रोध गुस्सा मिट जाए, भारत के सबका जलन नफरत मिट जाए, इस देश के सबका दुख पीड़ा तकलीफ दूर हो, भारत के सबको सुख मिल जाए, शांति मिल जाए।
पूरे विश्व के बारे में सोचिए, अलग अलग देश के, अलग अलग धर्म के लोग हैं। कोई कोई लोग जन्म लेते हैं पानी में और कोई धरती पर, तो और कोई आसमान में, और कोई पेड़ पौधा में, घर द्वार में। संसार के अच्छे बुरे सारे लोगों का क्रोध गुस्सा मिट जाए। संसार के सबका जलन नफरत मिट जाए। संसार के सबका दुख पीड़ा तकलीफ दूर हो। संसार के सबको सुख मिले, शांति मिल जाए। सभी लोग सदा सुखी हो, सभी लोग सदा सुखी हो, सभी लोग निर्भय रहे, सबका दुख तकलीफ दूर हो। मेरे परिवार सदा सुखी हो, मेरे साथी सहेली दोस्त सदा सुखी हो, मुझे अपमान करने वाले सारे दुश्मन, मेरा सभी दुश्मन सदा सुखी हो, सभी लोग का कल्याण हो, सभी लोग मिल के रहें, सभी लोग का दुख दूर हो, सभी लोग सुखी 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 हो। सबके बारे में सोच के रहिए, पूरे विश्व के बारे में। सभी लोग सुखी हो, सभी लोग सुखी हो, सभी लोग सुखी। साधु साधु साधु। ठीक है, अभी अपना आँखें खोली। देखिए, मैत्री विचार हम लोग किया, ऐसा सोचेंगे तो पूरे संसार में आपका कोई नाराज दुश्मन है नहीं है। कितना सुंदर है, रोज करिए आप लोग अपना कल्याण के लिए। जरूर आपको एक दो सप्ताह में बहुत फल मिलेगा, आपका तबीयत भी ठीक होगा, आपका बहुत सारे परेशान हट जाएगा, बहुत लोग आपको इज्जत करेगा।